नमस्कार डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने गिरवी के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में हम गिरवी के आवश्यक तत्वों पर चर्चा करेंगे। गिरवी का पहला आवश्यक तत्व पक्षकार होते हैं। गिरवी की संविदा के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। पहला, वह व्यक्ति जो ऋण लेता है और प्रतिभूति के तौर पर माल का परिदान करता है, इसे परमयकार कहते हैं और साधारण बोलचाल की भाषा में इसे गिरवीकर्ता कहा जाता है। यह ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है। गिरवी की संविदा का दूसरा पक्षकार परमयदार होता है। यह वह व्यक्ति होता है जो प्रतिभूति के तौर पर माल का परिदान स्वीकार करता है। यह ऋण देने वाला व्यक्ति होता है। इसे गिरवी ग्राही भी कहते हैं। गिरवी की संविदा का दूसरा आवश्यक तत्व किसी वस्तु का उपनिधान है। गिरवी के लिए उपनिधान की संविदा का होना आवश्यक है। उपनिधान के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं। नंबर एक, कोई वस्तु एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को परिदत्त की गई हो। नंबर दो, परिदान किसी प्रयोजन के लिए होना चाहिए। नंबर तीन, परिदान इस शर्त पर हो कि प्रयोजन पूरा हो जाने पर वस्तु वापस लौटा दी जाएगी अथवा शर्त के अनुसार अन्यथा व्यनित कर दी जाएगी। इस प्रकार गिरवी की संविदा के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसने ऋण लिया है, वह उस व्यक्ति को जिसने ऋण दिया है प्रतिभूति के तौर पर किसी वस्तु का परिदान करे। गिरवी की संविदा का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व यह है कि वस्तु का उपनिधान किसी ऋण के भुगतान या वचन के पालन की प्रतिभूति के रूप में होना चाहिए। जब ऋण का भुगतान कर दिया जाता है या वचन का पालन कर दिया जाता है तो गिरवी रखी हुई वस्तु गिरवीकर्ता को वापस कर दी जाती है। गिरवी का चौथा आवश्यक तत्व माल है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 172 के अनुसार ऋण या वचन के पालन की प्रत्याभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। माल शब्द को माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2(7) में परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार केवल चल संपत्ति ही माल होती है। अतः गिरवी की संविदा के लिए यह आवश्यक है कि उपनिहित की गई वस्तु कोई चल संपत्ति होनी चाहिए। यदि ऋण की प्रतिभूति के तौर पर किसी अचल संपत्ति का उपनिधान किया जाता है तो यह मॉर्गेज कहलाता है, जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत आता है। इस प्रकार गिरवी की संविदा के चार आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, दो पक्षकार जिसमें से कि एक परमयकार कहलाता है और दूसरा परमयदार कहलाता है। दूसरा आवश्यक तत्व किसी वस्तु का उपनिधान है। तीसरा आवश्यक तत्व यह है कि वस्तु का उपनिधान किसी ऋण के भुगतान या वचन के पालन की प्रतिभूति के रूप में होना चाहिए। और चौथा आवश्यक तत्व चल संपत्ति है। धन्यवाद। विधि विषय से संबंधित सारगर्भित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर भी करें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एंड लॉ एग्जामिनेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं।